असम के सीएम और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के सह प्रभारी हिमंता बिस्व शर्मा ने शनिवार को जानकारी दी कि 11 नवंबर को अमित शाह झारखंड में जिस गेस्ट हाउस में ठहरे थे उस गेस्ट हाउस पर झारखंड पुलिस ने छापा मारा। झारखंड में विधानसभा चुनाव का एक चरण पूरा हो चुका है और दूसरे चरण के लिए सभी नेता अपनी ताकत झोंक रहे हैं। इसी के चलते पार्टी के दिग्गज नेता जनसभाएं लगातार कर रहे हैं। जनसभा करने के लिए अमित शाह झारखंड पहुंचे थे। इसी के बाद अब सीएम शर्मा ने जानकारी दी है कि वो रांची के जिस होटल में रुके थे वहाँ रेड की गई है। सीएम हिमंत बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 11 नवंबर की रात रांची के सरला बिरला स्कूल गेस्ट हाउस में ठहरे थे। आज झारखंड पुलिस ने बिना किसी ठोस कारण के इस संस्थान पर छापा मारा। पुलिस की सेक्शन को लेकर के सीएम शर्मा ने राज्य की हेमंत सरकार पर निशाना साधा। सीएम शर्मा ने हेमंत सरकार पर हमला करते हुए कहा कि इससे सत्तारूढ़ सरकार की बढ़ती बेचैनी स्पष्ट होती है। मैं सभी सरकारी अधिकारियों से अपील करता हूँ कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन कानून के दायरे में रह करके करें। कानून का पालन सर्वोपरि है। अनावश्यक दबाव में न आए और राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए अपनी ईमानदारी और निष्पक्षता से समझौता न करें। इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहा हिमंता बिस्व शर्मा ने, खुद सुने उन्हीं की जुबानी। सर, अमित शाह जो कल जहां पे रुके थे वहां पे झारखंड पुलिस की रेड पड़ी है। देखिए, अमित शाह जी जहां रुके थे वहां झारखंड पुलिस ने छापा मारा। बिना कोई इन्फॉर्मेशन उनको कुछ नहीं मिला। ये राजनीति से प्रेरित है। रांची का एसपी साहब को इसके लिए बाद में जवाब देना पड़ेगा। सेकेंड फेज की बात क्या लगता है? सेकेंड फेज देखिए, फर्स्ट फेज में हमारा चुनाव बढ़िया हुआ है। सेकेंड फेज में और मौसम खुला खुला है। फर्स्ट फेज में तो थोड़ा सा शुरुआत में टाइट लगते थे। सेकेंड फेज शुरुआत में ही खुला हुए है। हम तो उम्मीद करता हूँ कि धनबाद हो, संथाल हो, हर जगह से हम बहुत व्यापक रूप से हम जीतूंगा और इस बार पूर्ण बहुमत हमें सरकार तक लेके जाएगा। देखिए, कितना सीट आएगा मैं ये नहीं बोलूंगा। मैं तो 81 के लिए ही प्रस्तुति कर रहा हूँ। देखिए, इस बार इतना ही है, भव्य सरकार हमें बनाना है। कांग्रेस के प्रभारी ने कहा कि मुसलमानों को फ्री में दिया जाएगा। देखिए, मुसलमानों को देने में हमारा कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उन्होंने बोला घुसपैठियों को फ्री में देगा। घुसपैठियों का जो दिन वो कुछ भी फ्री देने का कोशिश करेगा ना, उनको हम कुर्सी से हटा देगा। किस प्रकार से झगड़ा करवा रहे और मुख्यमंत्रियों के पति पत्नी के बीच में? अरे मैंने तो बोला है ना भाई, सारे पत्नी को अगर आपने रानी बना देगा कौन कैसे रहेगा देश। झारखंड का लोगों से ही अपील है, रोटी माटी बेटी को बसाने के लिए कमल साहब में वोट दीजिए, आंसू को केला साहब में वोट दीजिए। आपको बता दें कि सीएम हिमंता बिस्व शर्मा शुक्रवार को झारखंड के देवघर में रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान जहां एक तरफ सीएम शर्मा ने बीजेपी की जीत का दावा किया, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार में माटी बेटी रोटी तीनों असुरक्षित हैं। जरमुंडी में जनसभा के दौरान सीएम शर्मा ने कहा, बहुत हो चुका जेएमएम और कांग्रेस का कुशासन, अब की बार झारखंड में एनडीए का सुशासन होगा। झारखंड की 81 सीट पर दो चरण में चुनाव होने हैं। एक चरण में 43 सीट पर और 13 नवंबर को वोट डाले गए थे। अब इसके बाद 20 नवंबर को 38 सीटों पर मतदान किया जाएगा। इसी के बाद 23 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने घुसपैठियों का मुद्दा उठाना नहीं भूले। उन्होंने एक बार फिर से घुसपैठियों के मुद्दे को उठाया और इसी के साथ उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को निशाने पर ले लिया और साथ ही साथ उन्होंने अमित शाह वाला भी कार्ड खेल दिया कि किस तरीके से रांची की पुलिस ने जाकर के अमित शाह के होटल में छापेमारी की थी। अब देखना यह होगा कि इसके बाद जिस तरीके से झारखंड की राजनीति में बवाल मचा है उस पर विपक्षी दलों के तरफ से और खासकर सरकार के तरफ से क्या जवाब आता है और रांची पुलिस इस पर क्या जवाब देती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मामला देश के गृह मंत्री के होटल में छापेमारी से जुड़ा हुआ है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।